नमस्कार, मैं कर्नल केशव राय रिटायर्ड, आज यहाँ श्री विमल गुरुंग जी ये अनशन में बैठे, उनका कहना है कि जो गोर्खालैंड क्षेत्रीय प्रशासन का चुनाव है, जो गोर्खालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के जब मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके अनुसार कुछ एक गुंडा उसमें पूरा नहीं हुआ है, वो पूरा होने से पहले चुनाव नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है। उसके लिए वो अनशन में बैठे हैं, उनका बात बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ उसमें जो बातें हुआ था वो पूरा नहीं हुआ, अभी उसका कारण क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसमें अभी नहीं जा पढ़ना हमको। हम ये चाहते हैं जो अनशन में बैठे हमारे नेता उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और जो उन्होंने प्रश्न उठाए उसके ऊपर सही तरीके से बातचीत होके विश्लेषण होके उसका निष्कर्ष में पहुँचाए, ताकि हमारे जो पार्टी के एक सर्वोच्च नेता है उनका स्वास्थ्य में कोई खलल ना आए, वो शीघ्र स्वास्थ्य हो। भारतीय जनता पार्टी की मोर्चा पार्टी साफ है, वो लोग इलेक्शन का वो लोग इलेक्शन चाहते हैं, उस पर क्या बताएंगे आप? भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का मैं सदस्य हूँ, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। हमारा पार्टी का अड़ान है गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन सभा का चुनाव होना चाहिए, मगर कुछ हमारे राजनीतिक पार्टियाँ वो बोलते हैं वो गोरखालैंड चुनाव गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन सभा का चुनाव नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, हर एक पार्टी का अपना अपना अड़ान है। जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बोलता है बंगाल भंग हो गए ना, वो हमारा भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का अड़ान नहीं है। हम चाहते हैं दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र का एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो, और परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन दार्जिलिंग का पार्वतीय क्षेत्र का तो गोरखालैंड ही है, मगर फिर भी हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साथ हमारा भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का अलायंस है, वो अलग बात है। जो विमल गुरुंग जी इधर है वो एक पहाड़ के सर्वोच्च नेता है, वो मेरा भाई है, वजन है, तो वो जब अनशन में बैठे हैं तो उनका सुस्वास्थ्य का काम न करना मेरा कर्तव्य है, और जो वो जिस पॉइंट के लिए वो अनशन में बैठे हैं हम भी चाहते हैं वो उसमें कामयाब हो, और हम सब से अपील करते हैं, सरकार से भी अपील करते हैं, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है उसके ऊपर विचार विमर्श करके उनको जल्दी से जल्दी सेटिस्फाई करके कुछ न कुछ करके निकाल के उनका अनशन अंत कराए, ताकि उनका स्वास्थ्य में कोई खलल ना पड़े।